Hi friends, and welcome to For the Love of Gadgets. So friends, आज की वीडियो भी इंटरेस्टिंग रहेगी. By the way, this is Gurdwara Nanak Yo, guys. In case you have never been to and feel like must visit. तो मेरे फोन जगत के प्यारों और मेरे यारों and English में my friends. जैसे कि मैंने कहा, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है. उसका रीज़न ये है कि मैं आज देखने जा रहा हूँ सुपर फोन. जी हाँ दोस्तों, आप शायद समझ गए होंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट मी 11 अल्ट्रा. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बाय दैट फोन दाउ आई ऑलरेडी ओन डी एस 21 अल्ट्रा. मैं जनरली बहुत कंफर्टेबल नहीं हूँ डी एस एल आर से शूट करने में. सो मुझे अच्छी क्वालिटी का फ़ोन मिला, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट. लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए. आई थिंक दे कैन नॉट बीट द डी एस एल आर, बट कैन बी इक्वली गुड. नाउ कमिंग टू द पॉइंट, कुछ ट्वीट्स रिसेंटली में आए वेर एन यू नो मनु जैन ने कहा कि अभी स्टॉक आ गया है वेयर हाउस में, देर इज अ बिग बॉक्स कवर्ड विद ब्लैक क्लोथ एंड यू हैव सुपर बाइक्स अराउंड. सो आई एम एक्सपेक्टिंग द फोन टू गो ऑन सेल एनी टाइम बाय दिस वेडनेसडे, नंबर वन. नंबर टू, दे ऑल्सो ट्वीटेड दैट कि आप मी होम में जाके भी मी 11 अल्ट्रा विटनेस कर सकते हैं. यू कैन डू अ फर्स्ट हैंड ऑफ इट, एक आप फर्स्ट इंप्रेशन देख सकते हैं. एंड आई थिंक अगर आप भी लेना चाहते हैं तो यू शुड चेक आउट अ मी होम नियर बाय यू, सो दैट यू कुड ऑल्सो बाय दिस फोन एंड यू नो ट्राई करके आप बाय करें, सो दैट यू डोंट फील लाइक कि यार 65,000 हमने खर्च कर दिए और ये फोन यार मज़ा नहीं आया एंड ऑल दैट. हैविंग सेड दैट, वी आर गोइंग टू मी होम पंजाबी बाग. वहाँ पे जाके इस फोन का एक इन हैंड फील लेंगे एंड आई विल ऑल्सो बी शेयरिंग माई फर्स्ट इंप्रेशन. और अगर आप भी ये फोन खरीदना चाहते हैं, आई थिंक इट्स बेटर टू डू अ हैंड्स ऑन बिफोर यू पे. एंड लाइकवाइज आई सेड कि यार आई डिडंट लाइक द फोन. सो पहुंचते हैं फटाफट से मी होम और करेंगे वहां से कंटिन्यू. सो फ्रेंड्स, फाइनली हम मी होम हो आए और वहाँ पे हमने मी 11 अल्ट्रा को भी देख लिया. इम्प्रेशन की बात करूँ तो ठीक है, बिल्ड अच्छी है, डिज़ाइन नया है, प्रीमियमनेस है, बट आई स्टिल लाइक द एस 21 अल्ट्रा मोर. और मैं उसके आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ क्यों. एंड आई एम नॉट अ सैमसंग फैन बॉय. अगर आपको ऐसा लगता हो तो आप मेरे एस 10 लाइट की वीडियो देख सकते हैं जहाँ मैंने सैमसंग की जम के धुनाई की थी. आई बैश्ड सैमसंग लाइक एनीथिंग बिकॉज व्हाट इज राइट हैज़ टू बी पुट ऑन टू यूट्यूब. अब बात करता हूँ मी 11 अल्ट्रा की. यू फील इट प्रीमियम, एवरीथिंग इज देयर, बट थिंग्स दैट आई डिडंट लाइक पर्सनली, नंबर वन सेल्फी कैमरा. बहुत ही एवरेज सेल्फी कैमरा है फ्रेंड्स. आप 65,000 पे करेंगे उसके लिए आपको एक 20 मेगापिक्सल का एवरेज सेल्फी कैमरा जिसमें ऑटो फोकस ना हो. सीरियसली आई डोंट थिंक यू शुड गो फॉर इट, नेवर एवर. अनदर रीजन, कॉर्नर्स बहुत एब्सर्ड हैं यार. आई मीन बहुत ज़्यादा उन्होंने कॉर्नर्स छोड़े हैं चारों तरफ से. यू विल फील लाइक यार कुछ, मतलब इट विल लुक वेरी डिफरेंट, नॉट इन अ गुड सेंस, बट लाइक अजीब सा लगेगा आपको कि यार Why they have done it? फिलहाल तो वीडियो नहीं बनाने दी गई एंड आई थिंक मे बी दिस कुड बी द रीज़न कि शायद ये चीज़ें पकड़ में ना आ जाएँ, क्योंकि हम जब फर्स्ट इम्प्रेशन करेंगे तो ऑब्वियसली आपको कुछ तो बताएंगे ही ना कि ये है या नहीं है. आई विल डेफिनेटली पुट माई पिक्चर ताकि आपको ये ना लगे कि मैंने फ़ोन हाथ में भी नहीं लिया. तो ये अलग चीज़ है. रियर कैमरा में डेफिनेटली कैमराज आर गुड, बट अगेन नॉट समथिंग दैट कुड बीट समथिंग लाइक एस 21 अल्ट्रा और आईफोन 12 प्रो मैक्स. मैं ये समझ रहा हूँ कि जो भी लोग 65,000 खर्चना चाह रहे हैं, आई थिंक यू कैन वेट. और जब आपको एस 21 अल्ट्रा के साथ वॉच की स्कीम मिले, क्योंकि वो वॉच इन इट सेल्फ इज फॉर 20,000, आपको 10,000 वैसे मिल जाएगा, 20,000 घड़ी मिल जाएगी, तो आपको फोन लगभग 70,000 का पड़ेगा. वो घड़ी बेच भी सकते हैं, नहीं तो आप यूज़ भी कर सकते. इट्स अ गुड वॉच, सो यू विल एंटर इनटू सैमसंग इकोसिस्टम. That also reminds me that के इसकी resale नहीं होने वाली guys. अगर आपने ले लिया और इसको बेचने गए,
आप भूल जाइए कि इसको कोई सैमसंग वाला जो ये नॉलेज रखता होगा कि सैमसंग का यूआई अच्छा है, या वन प्लस वाला जिसका ओएस बड़ा ही स्टॉक है, वो इसको लेगा। नहीं, ये आपका बहुत ही कम रीसेल पे जाने वाला है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि भाई पर्सन नो सैमसंग बोलेगा। और भी एक रीज़न ये है कि इसका यूआई, मतलब जब मैं इसको यूज़ कर रहा था तो आई नेवर फेल्ट लाइक आई एम यूजिंग अ प्रीमियम फोन। नॉट दैट कि सैमसंग S21 अल्ट्रा का यूआई डिफरेंट है इससे आपका, जो इनकी लोअर रेंज है A32 एंड ऑल दैट, बट देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे हैव पॉलिश्ड एंड मेड इट लॉट बेटर, राइट। प्लस अपडेट्स के लिए तो सैमसंग ने कंफर्म करा ही है आपको। सो ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। मैं ये कहूँगा आप मेरी बात मत मानिए, आप मी होम जाइए इसे खरीदने से पहले। अगर आपको मेरी बातों में दम लगा, एक वादा चाहूँगा आपसे, वन प्रॉमिस दैट यू सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू थिंक दैट यस द गाय वॉज रियली जेन्युइन। क्योंकि यार आप ही लोग से चैनल चलता है, आप लोग पसंद करते हैं, लाइक भेजते हैं, कमेंट डालते हैं, यार मज़ा आ गया करके टाइप। तो भाई मन करता है गाड़ी निकाल के आज क्या कवर करना बताओ। सो ऑल इन ऑल आप लेना चाह रहे हैं ले सकते हैं। आई वुड सजेस्ट एक बार ही आप S21 Ultra को यूज़ कीजिए, और एक बार मी अल्ट्रा को यूज़ कीजिए, मी 11 Ultra को। सबसे बड़ी चीज़ कैमराज हैं, सैमसंग S21 Ultra इज़ वेरी वेरी एक्सपेंडेबल कैमराज हैं उसके, इन द सेंस दे कवर अ वेरी बिग रेंज, राइट फ्रॉम मैक्रो तो 3x टू 10x। फ्रंट उसका 40 MP का इतना बेहतरीन है दोस्तों, इट्स क्लास अपार्ट। आप ट्राई कीजिएगा एंड यू गेट, फ्रंट में आपको 4K ही मिलता जो आपको इसमें है ही नहीं, देंगे बात की बात है। और रियर स्क्रीन इट्स लाइक टू टाइनी, हम वीडियोज वगैरह में तो देखते अच्छी लगती है भाई, श्लोक बोल रहे हैं कोई भी बोल रहे हैं, श्लोक का नाम मैंने वैसे लिया क्योंकि ही इज़ वेरी, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हिज वीडियो, तो दैट वेज। और भी यूट्यूबर्स हैं सुपर साहब वगैरह सब दिखाते हैं स्क्रीन वगैरह, लेकिन बहुत छोटी है, मतलब इतनी छोटी है कि आपको लिटरली घुस के उसमें देखना पड़ेगा। वो कह रहा है आप इमेजिन कीजिए आपकी बैंड की स्क्रीन कैसी होती है दैट वेज। तो देख लीजिए, इफ़ यू वॉन्ट टू बाय मोस्ट वेलकम, आपका पैसा, बट आई वुड सजेस्ट प्लीज़ गो टू मी होम एंड ट्राई इट वंस बिफोर यू स्पेंड योर हार्ड अर्न 65,000 रुपीज़। और शॉम इंडिया आई हैव नो ग्रजेस, इट्स जस्ट दैट आई वॉज एक्सपेक्टिंग दीज थिंग्स टू बी आयरनड आउट। क्यों? क्योंकि बहुत यूट्यूबर्स ने ये चीज़ हाईलाइट करी है, और टिल डेट आप लोग अपडेट देखे ये चीज़ ठीक नहीं कर पाए। ये बहुत सरप्राइजिंग है, और खासकर ऐसे फ़ोन में जिसको आप सुपर फ़ोन कहते हैं, ये सुपर फ़ोन है लेकिन आप इसको लेट डाउन कर रहे हो, बिग टाइम लेट डाउन कर रहे हो। दिस इज अ सुपर फोन, नो डाउट अबाउट इट, बट आई थिंक शॉमी नीड्स टू बी सुपर एज वेल, सुपर एफिशिएंट टू मेक दिस फोन अ सुपर फोन। फ्रेंड्स एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो फ्रंट कैमरा है, डिस्पाइट HDR मोड टर्न ऑन करने के बाद भी उसकी लाइट इतनी पल्सेट करती है, इट कैन नॉट एडजस्ट इट सेल्फ टू लाइट। आई मीन आई हैड माई S10 लाइट एंड इनका Mi 11X सीरीज भी पड़ी थी, हमने साथ में रखी, उसमें द कैमरा वॉज पल्सेटिंग लाइक इट्स, अगर आपने कभी बल्ब देखा हो जो फ्यूज हो रहा होता है, राइट, इट पल्सेट्स लाइक एनीथिंग, और मिली सेकेंड में पल्सेट हो रहा था, ये नहीं कि 2-4 सेकंड के बाद कुछ चेंज था, कॉन्स्टेंट हल्का सा भी, मतलब हल्की सी भी मूवमेंट पे वो, और नहीं पे भी इट वॉज कॉन्स्टेंटली पल्सेटिंग, एंड आई वॉज सरप्राइज बिकॉज दिस इज समथिंग टेक टेबलेट्स में क्रेस है, उन्होंने भी इस चीज़ को हाईलाइट किया था, बट आई थिंक सो, बट आई हर्ड इट फ्रॉम क्वाइट अ यूट्यूबर, बट नो वन, आई मीन शाओमी हैजंट फिक्स्ड इट, आई एम नॉट श्योर व्हाई, एंड सिंस दे आर कॉलिंग इट अ सुपर फोन दे हैव टू बी सुपर एफिशिएंट। आई वुड हैव लव्ड कि ये इशू फिक्स हो जाता बाय द टाइम दिस फोन हैज रिलीज इन इंडिया, सो डू बी कॉन्ग्निजेंट ऑफ दिस फैक्ट एज वेल। वेल सो दैट्स इट, आई वुड से इफ यू प्लानिंग टू बाय दिस फोन प्लीज गो टू द MI होम, ट्राई इट आउट, इसको टेस्ट कीजिए, S21 Ultra टेस्ट कीजिए, एंड देन जस्ट वेट फॉर द राइट ऑप्शन। इफ यू थिंक दिस इज बेटर देन द S21 Ultra प्लीज गो अहेड। आई एम सेइंग कैन दिस इम्प्रूव, येस, बट वही पॉइंट है कि 20 MP विल नॉट एबल टू बीट 40 MP, एंड आई थिंक एट दिस प्राइस एवरीथिंग हैज़ टू बी टॉप नॉच, राइट। आप शायद इस बात से अग्री करेंगे कि इस प्राइस पे आप किसी भी डिपार्टमेंट में फेल या पीछे नहीं रहना चाहेंगे, अगर आगे भी नहीं जा सकते तो यू शुड बी एट पार। सो देर यू गो फ्रेंड्स, दैट वॉज आर टूडेज कवरेज ऑफ Mi 11 Ultra।
अनफॉर्चुनेटली मैं प्रॉपर आपको ये टेस्ट करके नहीं दिखा पाया एंड अपोलॉजीज इन केस यू आर नॉट एबल टू सी बिकॉज इट्स गेटिंग डार्क नाउ. सो लेट मी नो इफ एनी क्वेश्चंस, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, यू आर द फ्यूल. और आप सब्सक्राइब करते हैं गाइस तो हमें मोटिवेशन मिलती है एंड वी गेट ऑन टू दीज वेंचर्स टू ट्राई आउट थिंग्स. लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेरी. स्टे सेफ, टेक केयर, बाय. On the left, you can clearly see Mi 11 Ultra. आप sky की तरफ देखिए and you will see it's not able to handle the exposure. The exposure is changing every second. And in case आप ऐसे environment में wherein there are lot of focus lights and you know it's too bright, वहाँ पे it fails like anything. Yesterday what I experienced as in on the 4th, I was literally shocked. Next video Knoopsy की है and in that video you can also see that the focus is again struggling. Please watch both these videos as I've kept the description links in the description so you will get a better idea.